गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। ये भी हमारे पास जो दो सर्वश्रमिकाएं अभी हमने पीछे की हैं उनसे संबंधित ही है। हमें यहाँ पे गुणनखंड बनाने हैं और गुणनखंड भी देखें किस प्रकार से बनेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं, हमारे पास दो सर्वश्रमिकाएं एक्स जमा वाई सारी की शक्ति 3 और एक्स घटा वाई सारी की शक्ति 3 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जोड़ वाला है उसमें सारे जोड़, जहां पर भी हमें किसी भी चर की शक्ति 3 दिखाई दे और उसके बाद दो दो कोई शक्ति हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यही सर्वश्रमिकाएं हमें इस्तेमाल करनी है गुणनखंड बनाने में। कैसे? जैसे पहला देख लेते हैं हम, यहाँ पे 8 किसका घन होता है? 2 का। तो इसको मैं लिखूंगा 2a सारे की शक्ति 3 जमा b की शक्ति 3 जमा। अब देखो मेरे पास पहला पद और दूसरा पद आ गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई है। तो इसको अब हम जोड़ वाली है तो इसकी फॉर्म में लिखूंगा। देखो पहले मैंने लिया 3 और उसके बाद x की 2 है तो मैं लिखूंगा 2a सारे की शक्ति 2, क्योंकि यहां 2a है और साथ में b जमा। देखिए गुणा भी यही आएगी। आप देखें 2 का वर्ग क्या हो गया, 4, 4 की 12 है, a की शक्ति 2, a की शक्ति 2 आ जाएगा और b का b हमारे पास बच गया। उसके बाद 3 x क्या है हमारे पास, गुणा 2a और गुणा b। आप देखें गुणा b की शक्ति 2 है, y की 2 है ना, तो b की शक्ति 2 हो जाएगा। अब 3 × 6a आ गया ना और b की शक्ति 2, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारे पास सर्वश्रमिका की इस्तेमाल होगी और यहां पे क्या बनेगा, 2a जमा b सारे की शक्ति 3। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। इस प्रश्न में भी बिल्कुल सेम ही है लेकिन घटा के निशान है। जहां पर भी इस प्रकार से घटा के निशान आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि घटा वाली सर्वश्रमिका काम आएगी। है वही 2a सारे की शक्ति 3 घटा b की शक्ति 3 घटा 3 गुणा 2a की शक्ति 2 और गुणा b जमा 3 गुणा 2a गुणा b की शक्ति 2, ठीक है ना, बिल्कुल इसी सूत्र से हमने किया है। तो यहां पे मेरे पास क्या बन गया, 2a घटा b सारे की शक्ति 3, अर्थात यही 3 बार गुणा है। अब प्रश्न नंबर 3 को भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 27 और 125 a की 3 है, घटा है तो घटा वाली सर्वश्रमिका यूज होगी। 27 किसका घन होता है, 3 का, तो 3 की शक्ति 3 घटा 125 5 का, 5 a की शक्ति 3 घटा 3 गुणा इसकी शक्ति 2, 3 की शक्ति 2 गुणा 5 a और जमा 3 गुणा a कितना है 3 और b 5 a की शक्ति 2। देखिए बिल्कुल यही आएगा, 3 की शक्ति 2 9 होती है, 27 27 पंजे 135 और 1 a है, ठीक है। यहाँ पे 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 25 × 5 = 225 और 1 की शक्ति 2 यहाँ से आएगा। तो हमारे पास बच गया 3 घटा 5 a सारे की शक्ति 3। समझ आया, या इसको 3 घटा 5 a को हम 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो ये 3 भाग थे इस प्रश्न के, 2 भाग अभी हम देख लेते हैं। भाग नंबर 4 और 5 को देखते हैं। 4 में भी देखो घटा का निशान है, यदि घटा का निशान हमारे पास है तो घटा वाली सर्वश्रमिका यूज होगी। इसमें भी घटा का निशान है तो घटा वाली सर्वश्रमिका ही। अब यहाँ पे 64 किसका घन है, 4 का और a 4 a की शक्ति 3 घटा 27 3 का घन होता है 3 b की शक्ति 3। अब घटा से 3 गुणा, पहले मैं क्या लिखूंगा, 4 a की शक्ति 2 गुणा 3 b और जमा का 3 गुणा 4 a गुणा 3 b सारे की शक्ति 2। इसी प्रकार होता है हमारे पास सर्वश्रमिका। अब गुणा करके देख लें, 4 चौके 16 है, 16 थी 48 और 48 थी 144, ठीक है। अब यहाँ 3 × 3 = 9, 9 थी 27, 27 चौके 108 पूरे बन रहे हैं। यहाँ a की शक्ति 2 है, b आ जाएगा और b की शक्ति 2 आएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सर्वश्रमिका आ गई 4 घटा 3 b सारे की शक्ति 3, ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। इसी प्रकार से हमें लेके घन इसका बनाना है, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, बटा वाली संख्याओं में उलझना नहीं है, सिर्फ देखना है। 27p की 3 को क्या लिखूंगा, 3p सारे की शक्ति 3 घटा 1/216 किसका घन होता है, 6 का। अब यहां से घटा का 3 गुणा p की शक्ति 2/6 आ गया हमारा, 1/6 था ना ये, और जमा का 3 गुणा में 3p गुणा 1/6 की शक्ति 2, ठीक है। अब यहां से देखेंगे मिल गया या नहीं, 3 से 3 कट जाएगा 2, 3 का वर्ग क्या क्या हो गया 9 और नीचे 2 है, p की शक्ति 2 आ जाएगा।
यहाँ 3 3 9 है और 6 6 36 आएगा, 9 4 36 कट जाएगा, 1/4 ही बचेगा, पी सीधा 1। ठीक है, अब यहां से मेरे पास पहली संख्या 3p है, दूसरी 1/6, तो 3p/1/6 सारी शक्ति 3, अर्थात इसको हम 3 बार गुणा में भी लिख सकते हैं। तो ये 8वें प्रश्न के 5वें भाग बड़ी आसानी से दोनों सरसमीकाओं से हो गए हैं। आशा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।